अस्सलाम वालेकुम। सो आप झाड़ियों के लिए पूछ रहे थे, तो उसमें ऐसा बेस नहीं आता कि आप लगाएं तो सब छुप जाए। उससे पहले आपको कंसीलर करना पड़ता है, करेक्टिंग करनी पड़ती है आपको उससे पहले। तो झाड़ियाँ छुपाने के लिए आप अपनी स्किन से डार्कर शेड लगाओगे, उसके बाद आप अपनी स्किन का शेड लगाओगे, देन लाइट, तो फिर आपकी वो छुप जाएंगी। ऐसा आप जो है, जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर ऑरेंज कलर का शेड है, 303 है ये। अगर आपकी वीटिश स्किन है तो 508 ले लें आप, वरना 303 भी ले सकती हैं। और बहुत हल्की फुल्की सी पिगमेंटेशन है, हल्की फुल्की है, तो आप 38 से भी गुजारा कर सकती हैं। लेकिन अगर आपकी झाइयाँ हैं डार्क है और आप जब बेस लगाती हैं वो नुमाया होती है, तो आप जो है 508 ले लो। उसमें वो आपको ईजिली क्रायलॉन में भी मिल जाती है। और आप अगर क्रायलॉन की अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप क्रिस्टीन की, तो आप ओरिएंटल भी ले सकती हैं, चाइनीज़ भी ले सकती हैं, क्रिस्टीन में और क्रायलॉन में 508 भी ले सकती हैं। इसके अलावा आप कंसीलर भी ले सकती हैं, किसी भी ब्रांड का ऑरेंज कंसीलर ले लें, एलेप्रो गर्ल का ले लें, या फिर कोई भी ले लें, वो आप यूज़ कर सकती हैं। सेकंड ये कि आप जब भी उसके ऊपर कोई भी फाउंडेशन, कोई भी बेस, कोई भी स्टिक, कुछ भी किसी भी ब्रांड का लगाएंगी, तो आपकी जो झाइयाँ हैं या फिर आपके पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल्स हैं या फिर स्कार्स हैं, तो उन सब के लिए भी ये वीडियो है। तो वो कभी भी नुमाया नहीं होंगी। जब आप ऑरेंज से हाइड कर लोगे, उसके बाद आप कोई भी फाउंडेशन लगा लो, कभी भी नहीं नजर आएंगे। पॉलर में भी इसी तरह से बेस बनाया जाता है।